जी अपना नाम बता दे और किस खेल से? जी मेरा नाम दिलशाद खान है, मैं राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हूँ। दिलशाद जी, अभी कोरोना के बाद से स्टेडियम की क्या स्थिति है आपकी, खास करके हॉकी गेम की? अब स्टेडियम की स्थिति तो आप देख ही रहे, घास वास बड़ा है, बहुत कहने के बाद आरएसओ साहब ने कटवाया। उसके बाद हॉकी में ना कोच है, 2 साल से 3 साल से लगभग कोच नहीं है, और बच्चे हैं अपना आपस में आते हैं, जो सीनियर हैं हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, जितना हो सकता है हम लोग से करते हैं, लेकिन शासन के द्वारा कोच अभी तक यहाँ पे नहीं रखा गया है। क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं या फिर आप लोग? दिक्कतें तमाम है, कोच रहता है तो प्रॉपर कोचिंग देगा बच्चों को, टाइमली आएंगे। अब हम लोग हैं, हम लोग नौकरी भी करते हैं, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि बच्चों को टाइम दें। सामग्री की क्या स्थिति है? सामग्री सर कुछ नहीं, बच्चे अपने से सब अपना पैसा लगा के सब खरीदते हैं, और जो भी है उनका खुद का है, और प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं मिला है। स्टेडियम के द्वारा कोई भी नहीं, स्टेडियम के द्वारा कुछ, यहाँ तक कि हॉकी का गोल पोस्ट नहीं है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉकी का गोल पोस्ट नहीं है, बच्चे ये छोटे से गोल पोस्ट में अपना इसी से अपना काम चला रहे हैं। ये क्या महिला हॉकी और पुरुष हॉकी दोनों में ये स्थिति है? जी जी, महिला भी हैं, लड़कियाँ और बॉयज़ भी हैं, दोनों की ही स्थिति है, ना गोल पोस्ट है, ना मार्किंग है, ना कुछ इक्विपमेंट्स है बच्चों को दिया जाए। जी अपना नाम बता दें और किस गेम से हैं? शुभम सरोज, हैंडबॉल। शुभम जी, ये बताइए कोविड के बाद से आप लोग जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या स्थिति है ग्राउंड की? सर स्थिति तो ठीक नहीं है, क्योंकि ग्राउंड और गोल पोस्ट है, लेकिन गोल पोस्ट होने से नेट बहुत फट गया है, नेट और सही नहीं है, ग्राउंड में चूना उना नहीं मिल पाता है, तो बॉल भी वैसे है नहीं, क्योंकि बॉल 2-4 जो बॉल पुरानी है उसी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनमें ग्रिप ट्रिप्स एकदम ख़त्म हो गए हैं, तो बॉल की भी कमी हो रही है। बॉल कोचिंग देता है आप लोग? कोचिंग सर, कोचिंग के लिए अभी कोई कोच अलर्ट नहीं हुए हैं, और जब से कोच नहीं अलर्ट हुए हैं सर, वही इंडिविजुअली जो हम लोग को थोड़ा बहुत आता है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और बाकी उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वैसे कोच रहते तो अच्छा प्रैक्टिस होता है हम लोग का। आप लोग तो यहाँ आते हैं सोच करके कि आगे बढ़ेंगे, क्या लगता है कि बिना कोच के आप लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? जी सर, जब तक कोच नहीं रहेंगे तब तक हम लोग को कैसे कोई आगे बढ़ा सकता है, अब कोच रहेंगे तो हम लोग को थोड़ा अच्छे से बताएंगे, अच्छा से समझाएंगे, शूटिंग कैसे करना है, कैसे मैच में क्या अप्लाई करना है, वो सब चीज़ कोच ज़्यादा बेटर हम लोग को समझा सकते हैं। सरकार से क्या मांग डिमांड करेंगे? सर सरकार से हम क्या बोल सकते हैं, बस हम लोग को कोच मिल जाए इतना ही बहुत है। सर वैश्विक महामारी अभी दूसरा फेज बीता है, उसके बाद से खेलों की क्या स्थिति है, खास करके वाराणसी के सिकरा स्टेडियम में? उस COVID-19 में दूसरी महामारी के बाद से गवर्नमेंट के निर्देशानुसार और जो कोविड के नियमों को पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेडियम इत्यादि को खोल दिया है, और यहाँ बनारस में मेरे द्वारा जो है सभी खेलों के खिलाड़ियों को जो है ग्राउंड इत्यादि उपलब्ध करा दिया गया है, और वो आकर के अपना अभ्यास कर रहे हैं पूरी तन्मयता से, अनुशासन के साथ वो अपना अभ्यास कर रहे हैं। फिलहाल परमानेंट कोचेज जो हैं वो उन्हीं से काम लिया जा रहा है, और यहाँ पे 6 कोचेज अंशकालिक के रूप में विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था, परंतु किसी ने ज्वाइन यहाँ नहीं किया, और एक हमारे सहायक प्रशिक्षक फुटबॉल के जो सिगरा में दे रहे हैं कोचिंग, और एक हॉकी के जो डिप्टी स्पोर्ट अफसर हैं वो लालपुर स्टेडियम में सुबह शाम अपना बच्चों को देख करके और उनका अभ्यास करा रहे हैं। तो मात्र एक फुटबॉल के कोच यहाँ पर? हाँ, एक यहाँ है और हॉकी के एक लालपुर में। और कितने खेल होंगे सर अभी यहाँ स्टेडियम? स्टेडियम में हमारे यहाँ खेल करीब 20 खेल हैं हमारे यहाँ जो कंटिन्यू चलते हैं। उसको सर आप लोग मैनेज कैसे करते हैं, अगर बिना कोच के बच्चे कैसे सीखते हैं? अब उसमें यही है कि बच्चों का नुकसान ना हो, तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं और जो हैं अनुशासित, उनका जो है जो बच्चे से कंट्रोल बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो अपना बच्चों को सुबह शाम जो है अपनी देखरेख में अभ्यास करा रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और बच्चे अनुशासित के साथ खेल रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। उम्मीद कुछ है सर कि उम्मीद है विभाग लगा हुआ है अपना, हाँ, और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हैं, उन्होंने वो भी कहा है कि इसको जो है तत्काल जो है कोचेज की नियुक्ति करके और उनके अच्छे मानदेय रख करके उनको जल्दी से जल्दी जो है कार्य पे लौटाया जाएगा।